हेलो गाइस, दिस इज़ अनुराग झा, यू आर वॉचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर स्थिर विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स की बात करने वाले हैं, तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। तो परिणामी विद्युत बल क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, यदि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग अवशोषित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो जोड़ देने पर क्या होगा? दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा विद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की संधारिता क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है बढ़ती है, संधारित्र की क्या होगी? बढ़ती है, कंडेंस की धारिता पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम ई वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कभी कभी फार्मूला भी डायरेक्टली पूछता है तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो ठीक है, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का जो क्वांटम मात्रक है वो है -1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत की क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत की क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए आपका संरक्षी होता है, ठीक है, कैसा होता है? संरक्षी होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? तो एकाकी चालक के लिए जो है आपका दिया गया आवेश वट्टा विभवांतर क्या होता है? दिया गया आवेश वट्टा विभवांतर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 μF से मिलकर से फैराडे है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? 20 μF। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कुलम्ब आवेश बराबर कितना ई एस यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 3 × 10⁹ ई एस यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.8 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में इसी चैप्टर का और भी वीडियोज में लाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।